हापुड़ पुलिस ने दो ऐसे चोरों को गिरफ्तार किया जो शौक पूरा करने के लिए छात्र से चोर बन गए और फिर अपने शौक पूरा करने के लिए बाइक चोरी करने लगे और चोरी की हुई बाइकों को बेचकर शौक पूरा किया करते थे। पुलिस ने पकड़े गए दोनों चोरों के पास से चोरी की 6 बाइकें बरामद की हैं। पुलिस के अनुसार दोनों चोरों पर करीब आधा दर्जन आपराधिक मुकदमे दर्ज है। फिलहाल पुलिस इनकी आपराधिक कुंडली खंगालने में लगी हुई है। हापुड़ से अनुज चौधरी की रिपोर्ट। हापुड़ पुलिस ने दो वाहन चोर पकड़े, क्या इनसे बरामद हुई, क्या इनका इतिहास? जी, ये थाना तिलकवा में दो लोग पकड़े गए हैं, दो लड़के पकड़े गए हैं जिनसे 6 बाइकें जो विगत दिनों में इनके द्वारा चुराई गई है, शातिर चोर हैं, 6 बाइकें इनके द्वारा विभिन्न क्षेत्र से चुराई गई हैं वो बरामद हुई हैं, दो लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है। सर, दोनों 10वीं पास की है, दोनों छात्र बताए जा रहे हैं? जी, इन्होंने बताया कि इन्होंने 10th क्लास पास किया है पिछले साल और बेरोजगार हैं पूरी तरीके से। बता रहे थे कि क्षेत्र में घूमते थे मोटरसाइकिल पर बैठ के और जो लावारिस या दूर दराज में बाइक खड़ी रहती थी उसमें चाबी इन्होंने एक बना रखी है, चाबी को लगा कर खोलने का प्रयास करते थे, जो बाइक खुल जाती थी उसे चोरी कर लेते थे। सर, क्या इस तरह दो लोग चोरी करते थे, अंदर कोई नेटवर्क है, गैंग है, किस तरीके से चोरी करके आ रहे, क्या देखते थे? देखिए, उस चीज़ का हम पता करेंगे आगे, जो भी इनका नेटवर्क है इनकी कॉल डिटेल वगैरह खंगालेंगे, जरूरत पड़ेगी ना PCR पे लेके उसका पता किया जाएगा अगर आगे इनका नेटवर्क है। उत्तर प्रदेश का जनपद हापुड़ में पुलिस अधीक्षक द्वारा एक ऐसा उत्कृष्ट कार्य किया जा रहा है जिसे पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचने वाले फरियादी जनता भी सराहना कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में जिस समय समूचा प्रदेश भयंकर गर्मी की मार झेल रहा है, ऐसी भयंकर गर्मी को देखते हुए कोई शरबत बांटकर जनता की मदद कर रहा है तो कोई पानी पिलाकर जनता की मदद में लगा है। ऐसे में जनपद के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह ने भी एक कदम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाते हुए उनके कार्यालय पर पहुंचने वाले फरियादियों के लिए मीटिंग हॉल जिसमें पंखे AC सहित समुचित बैठने की व्यवस्था है। फरियादी पुलिस अधीक्षक से मिलने के लिए लगने वाले समय में बड़े आसानी के साथ गर्मी से राहत महसूस कर रहे हैं। ऐसे में जब गर्मी से राहत पाने वाले तथा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बैठे फरियादियों से बात की तो उन्होंने इसके लिए पुलिस अधीक्षक का ही नहीं समूचे पुलिस स्टाफ को धन्यवाद देते हुए बड़ी सराहना की। हापुड़ से अनुज चौधरी की रिपोर्ट। देखिए, पुलिस ऑफिस में जो फरियादी आते हैं उनके साथ में बुजुर्ग लोग भी होते हैं, कभी कभी बच्चे भी होते हैं, तो गर्मी को ज़्यादा देखते हुए जो बरांडा है उसमें ज़्यादा धूप थी इसलिए उनके लिए एक कक्ष खुलवाया गया है, उसी में सब लोग बैठते हैं। उसमें पंखे की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था है। शामली में शंटिंग के दौरान मंगलवार देर शाम दिल्ली से सहारनपुर पत्थर लेकर जा रही एक मालगाड़ी के 3 वैगन ट्रैक से उतर गए। इससे 200 मीटर से ज्यादा ट्रैक उखड़ कर क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि कोई घायल नहीं हुआ। आप अधिकारी हैं तो इसका जवाब देना। आप रेल का सरकारी संपत्ति का इतना नुकसान हुआ, इसका जवाब कौन देगा? आप नहीं देने के, क्यों नहीं देने के? आप अधिकारी नहीं है? अच्छा, अगर जो ये अभी ट्रेन हादसा हुआ है, यहाँ पे ट्रेन पलटी है, किस तरीके से हुआ है? तरीका ही है, एक तो बी केविन वाला है जो उनका गुरुद्वारे वाला फाटक है जी, कभी सिग्नल उठता नहीं, ट्रेन आगे पहुंच जाए, मान लो कोई बिजार है, कोई भी जिनावर है, कोई भी कोई आदमी अगर कोई देख रहा तो उसे आगे भी कर सके, भगा भी सके, वो ना तो सिंगल करता, दारू पीगा, सुत्ता हो चाहे कुकरी सोता, मनु तो पता नहीं भाई, लेकिन उसे पटनी काटनी चाहती, पटनी काटने की वजह से हुआ। ट्रैक क्षतिग्रस्त होने व मालगाड़ी के मुख्य ट्रैक पर खड़े रहने से दिल्ली सहारनपुर व सहारनपुर दिल्ली पैसेंजर ट्रेन को नजदीकी स्टेशनों पर रोकना पड़ा। दिल्ली सहारनपुर रेल मार्ग बंद कर दिया गया जो रात 10 बजे खोला जा सका। सर, जो दो डब्बे पटरी के पिछले वाले उतरे हैं, कितना नुकसान हुआ है अभी तक? नुकसान के बारे में अभी कुछ नहीं। अच्छा, हादसे का कारण क्या माना जा रहा है? अभी कुछ नहीं कहा जा। किसकी लापरवाही मानते हैं आप लोग इसमें? इस बारे में अभी क्या है ना, जब तक मालूम ना पड़ जाए क्या, तब तक कुछ नहीं कहा जा। अच्छा, कितना टाइम जो है इसको लगा है अभी तक के, क्योंकि अभी रिकवर नहीं किया गया किसी भी, अभी रेलवे ट्रैक पे कितना टाइम लगेगा? इंजीनियर्स बाहर से आ रहे हैं क्या इस बारे में? अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। रेलवे ट्रैक अभी जो है क्षतिग्रस्त है पूरी तरीके से। रेलवे ट्रैक लाइन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 जाना क्लियर हो चुकी है और मूवमेंट नॉर्मल है। सर, कितना टाइम बाधित रहा है यहाँ पे जो हमारा रोड है सामने डिस्ट्रिक्ट का? शामली के थाना भवन में बाइक सवार एक व्यक्ति की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। हत्या कर बदमाश मौके से फरार हो गए। हत्या की इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर ASP और CO पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं पुलिस की टीम हत्यारे बदमाशों की तलाश में जुट गई है। मृतक भट्टा व्यापारी बताया जा रहा है और बसपा नेता भी। शामली से फुरकान जंग की रिपोर्ट। घटना शाम करीब आधे घंटे पहले घटित हुई है, जिसमें कि
एक बाइक सवार का जो है यहाँ पे हत्या हुई है। उस संबंध में मौके पर तत्काल स्थानीय पुलिस हमारी थाना भवन पुलिस पहुँची और जानकारी की गई। मालूम चला कि जो है लतीफ और उसके भाईजनों में जमीन का विवाद चल रहा था, जिसका मामला जो है कैराना सिविल कोर्ट में है। उसी क्रम में मृतक है जो पैरवी कर रहा था, उसी क्रम में घटना की हुई है। उनके परिजनों से तहरीर ली जा रही है, जो भी दोषी होगा उसको तत्काल गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर मौके पर ही ऑन द स्पॉट हो गया मर्डर? हाँ। माधव तांडा थाना क्षेत्र के ग्राम नगरिया खुर्द निवासी भूदेव दास ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वर्ष 1989 की बाढ़ में बेघर होने के बाद शारदा डैम के सामने बस गए थे। उनके कब्जे में करीब 2.5 एकड़ भूमि थी, जिस पर वह लंबे समय से खेती करते चले आ रहे हैं कि गांव के ही धनंजय सरकार अपने घर के परिजनों के साथ जमीन पर कब्जे का प्रयास कर रहा है। आरोपियों ने रविवार रात खेत पर पहुंचकर फसल को उजाड़ दिया, जिससे पीड़ित को काफी रुपए का नुकसान भी हुआ है। भूदेव दास कहाँ रहने वाले हैं? नगड़िया काट और रामनगर रह के मिठाई की दुकान करता हूँ। जमीन का आपका क्या विवाद है? जमीन का विवाद है जो भी आप काफी दिन से करते चले आ रहा है, जो कि 15 दिन पहले मैंने हल्दी बो रखी है और उसने धनंजय नाम का व्यक्ति कल शाम को हल्दी उगाड़ दिया और न्यायालय में मुकदमा दर्ज है। सुचित्रा दास कहाँ रहने वाले हैं? आम नगुरिया खुर्द कला में रहने वाला है। जमीन का क्या विवाद है आप? ये जमीन की विवाद है, ये धोनो सरकार आके, यहाँ कोई विवाद नहीं था, धोनो सरकार आके कब्जा करने चाह रही है, 20 साल बाद में कब्जा करने चाह रही है। आपके जमीन में कोई फसल भी थी? हल्दी था। धनंजय सरकार निवासी नगरिया खुर्द ने बताया कि जमीन का विवाद भूदेव दास से चल रहा है। धनंजय सरकार कहाँ रहने वाले हैं? नगुरिया खुर्द कला। आपका जमीन का क्या विवाद चल रहा है? ये हमारा जमीन का विवाद भूदेव से चल रहा है और उसमें मकरदमा भी चल रहा है। पहले मकरदमा था, वो भी हमने जीत गया और हम पहले से ही हमारा है और हमारा खेत हमने जोत के धान बो दिया। SHO उमेश कुमार सोलंकी ने बताया कि रामनगर चौकी इंचार्ज को मामले की जांच कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। पीलीभीत से मनोज कुमार की रिपोर्ट। जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र के कोंच रोड स्थित 33 KV पावर सब स्टेशन में मंगलवार की रात एक ट्रांसफार्मर में आग लग गई। आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। मामले की सूचना स्थानीय लोगों द्वारा दमकल कर्मियों को दी गई। सूचना मिलते ही दमकल कर्मी CFO के साथ मौके पर पहुंचे और आग को बुझाने का प्रयास किया। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। जालौन से पुष्पेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। कोंच रोड उरई में विद्युत सब स्टेशन में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। मौके पर आकर के 2 गाड़ी लेकर के हम आए। 18:38 को सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल यहाँ पहुँच के देखा कि विद्युत सब स्टेशन में कई मशीनों के नीचे और एक विद्युत ट्रांसफार्मर में काफ़ी तेज ऊंची लपटों के साथ जल रही है। केवल एक ट्रांसफार्मर की आग रह गई है, शेष को हमने कंट्रोल कर लिया है, क्योंकि वो ट्रांसफार्मर लीकेज है और उसमें फोम का इस्तेमाल करते हुए हम आग को काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। ये क्या कारण क्या रहा है इसमें? अब कारण तो ये ओवर हीटिंग का हो सकता है, क्योंकि तापमान इसमें ज़्यादा है। अगर ऐसी स्थिति है तो इसके बारे में ज़्यादातर विद्युत विभाग के ही लोग बता पाएंगे कैसे आग लगी है। ओके। विजयनगर सिद्धार्थ विहार अपेक्स कंपनी में काम करने वाले मजदूरों की झुग्गियों में लगी आग। आग लगने के 1 घंटे तक भी आग पर काबू नहीं पाया गया। लोग काफी परेशान रहे। 1 घंटे बाद दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। पुलिस प्रशासन मौजूद रहा। अपेक्स कंपनी के लोग वहां पर आए और चले गए, मगर गरीब लोगों को कोई आश्वासन नहीं दिया। इसमें छोटे वाले गैस सिलेंडर 5 से 6 फटने की आवाज लोगों ने सुनी। लोगों में अफरा तफरी का माहौल रहा। लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। गरीब झुग्गी वालों का सारा सामान जलकर खाक हो गया। गाजियाबाद से सिंदबाद खान की रिपोर्ट। गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार में, विजयनगर सिद्धार्थ विहार, आप देख सकते हैं यहाँ पर आग लग चुकी है और दमकल की 1 गाड़ी आकर आग पर काबू पा रही है। मैं अपने सहयोगी से गुजारिश करूंगा, आप देख सकते हो यहाँ पर दमकल की 1 गाड़ी है। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि आप आगे आइए। यहाँ पर दमकल की 1 गाड़ी मौके पर पहुंच चुकी है और कोशिश कर रही है। गाजियाबाद से सिंदबाज खान की रिपोर्ट। नवाबगंज थाना केवलडिया क्षेत्र के नबादा गांव में कुछ गांव वालों ने एक मगरमच्छ को पकड़ा। सुबह ग्रामीण लोग जब शौच पर निकले तो कुछ ग्रामीणों ने देखा कि एक मगरमच्छ सूखे खेत में बैठा था। ग्रामीणों को देखकर मगरमच्छ ने गांव के लोगों पर हमला करना चाहा, लेकिन गांव के लोग बाल बाल बच गए और अपनी दिलेरी दिखाते हुए गाँव के कुछ और लोगों के साथ मिलाकर
मगरमच्छ को पकड़ लिया। मौके पर पहुंची पुलिस और वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को गांव से उठाकर किसी दूर नदी में ले जाकर छोड़ दिया। नवाबगंज से रियाज अंसारी की रिपोर्ट। क्या नाम है साहब आपका? प्रताप वीर सक्सेना। किस पोस्ट से हैं आप? बनबेज। बनबेज? बंदरोगा कह लीजिए। बंदरोगा है आप? तो सर ये जो घड़ियाल पकड़ा गया है जी, ग्रामीणों ने पकड़ा है जी, तो आप इसको कहाँ ले जाके छोड़ेंगे? इसे हम वैसे तो बैठ जाएगी तो सर अभी तो दाम है उसमें छोड़ने का है। सर दाम है या जो दुहाई चल रहा है उसमें? दुहाई मतलब जो आप बताए क्या नाम, बाहर जाएगी तो बहा तो नदी चल रही दुहाजी। हाँ। दाम का सवाल ही नहीं है तो उधर दाम कहाँ है? दुहाई है ना। दुहाई, दाम तो तुम्हारे वहाँ पे है। क्या नाम नाना बताए? इससे से बोलते हैं सितारगंज। अच्छा सर, ग्रामीणों का कहना है कि इस क्षेत्र से तो कहीं घनी आबादी में इसको ना छोड़ा छेड़ा मतलब छोड़ा जाए, तो आप इसको दुहाजी में छोड़ेंगे? वहाँ पे कोई बस्ती तो नहीं है? नहीं बस्ती नहीं। तो अभी इसका आप वगैरह कुछ मेडिकल वगैरह होगा? नहीं, ये तो स्वस्थ है। स्वस्थ है? हाँ। तो मेडिकल की जरूरत ही नहीं है? हाँ, इसके लिए हम कोई वाहन से इसे ले जाएंगे और छोड़ेंगे। तो आप जो जिस वाक्य मतलब बन वाक्य क्या कौन से पद पे तैनात है? मैं बंदरोगा हूँ। बंदरोगा? तो आपके गांव में क्षेत्र में कितने गांव आते हैं, कहाँ तक आपका ब्लॉक है या क्या है? ये 56 गाँव है। 56 गाँव, तो आप खुले क्षेत्र के हैं। नाम क्या सब आपका? प्रकाश वीर सक्सेना। तो आप कहाँ से आते हैं काम करने के लिए? मैं साहब रहता था नवाबगंज जी, और अभी हम लोग सब बड़े फोटा में शेयर का वो चल रहा, उसमें सब लोग गए हुए थे। ये हमारे काम करते हमारे यहाँ। अच्छा सर, शेर के बारे में आप कहेंगे, जो तेंदुआ जो बार बार लोग कह रहे हैं कि तेंदुआ है तेंदुआ है, लेकिन आप अभी दिखाई तो कहीं दिया नहीं हम लोगों को। हम लोग गश्त कर रहे हैं, लगातार गश्त कर रहे हैं, हम लोग रात दिन लगे हुए हैं, लेकिन कोई भी मतलब तेंदुआ अभी साफ नहीं मिल रहा है जो दिखाई दे। अच्छा, खुद में जो मरा था तेंदुआ, तो उसमें मुकदमा में क्या हुआ, क्या छूट मिल गई या क्या हुआ? जैसे ये बाघ संबंधित कर्मचारी बता सकते हैं। धर्मवीर शर्मा ग्राम प्रधान। धर्मवीर शर्मा ग्राम प्रधान नवादा इमामाबाद। क्या था पूरा घटनाक्रम बताएंगे आप? हमारे गांव के मुन्ने रक्स गांव के समीप जो है नदी अप्सरा, उसमें मछली पकड़ने गए थे जी जी। वहाँ इन्होंने जाल फेंका, उसमें मगरमच्छ फंस गया। अच्छा, आज जो पड़ा हुआ इस टाइम मौका था। हाँ, जाल में जो मतलब मछली पकड़ने गए थे। हाँ, मछली पकड़ने गए तब जो फंसा। हाँ, फिर उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर ये गांव ले आए फिर। हाँ, अभी आप इसकी क्या मांग करते हैं, कहाँ पे इसको छोड़ा जाना चाहिए, कहाँ पे? ये कुछ सुरक्षित जगह पे जहाँ इसका जीवन यापन सही तरीके से हो सके। पूरनपुर में विधायक के मोहल्ले में मार्ग जर्जर होने पर कॉलोनी वासियों का गुस्सा फूट गया। गुस्साए लोगों ने विभाग के खिलाफ नारेबाजी कर गुस्सा जाहिर किया। सड़क निर्माण को लेकर ज्ञापन विधायक को सौंपा गया। पूरनपुर की पंकज कॉलोनी में पूरनपुर के भाजपा विधायक बाबूराम पासवान का आवास है। इसी मोहल्ले के खान का जोड़ने वाला मार्ग संतोष सिंह के घर से लेकर दाताराम के घर तक जर्जर अवस्था में है। कई साल बीत जाने के बाद भी मार्ग निर्माण न होने से कॉलोनी वासियों को इधर से आने जाने में काफी दिक्कत होती है। बरसात के दिनों जर्जर मार्ग पर पानी भर जाने के कारण लोगों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है। स्कूल जाने वाले बच्चों को इस मार्ग से गुजरने में काफी परेशानी होती है। मंगलवार को कॉलोनी वासियों ने विभाग के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। लोगों ने सड़क निर्माण का ज्ञापन विधायक बाबूराम पासवान को दिया है। पीलीभीत से संजय शुक्ला की रिपोर्ट। मेरा नाम कपिल मिश्रा है। कपिल जी, ये बताइए अभी आप लोगों ने जो विरोध प्रदर्शन किया, मैं क्या है? कानूनी कार्यालय वाला हूँ। मैं जब भी यहाँ से निकलता हूँ तो पानी भरा रहता है और यहाँ पर गंदगी होती है और सुबह रात में गंदगी फैला जाते हैं और इससे कई लोगों को बीमार भी होना पड़ा और जो है बहुत दिक्कत हो रही है, निकलने वालों को भी बहुत दिक्कत हो रही है। रोड पर पानी भरा रहता है, आदमी बहुत परेशान है। जिला गुरदासपुर के शहर बटाला में 2 साल के पथवीर को कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि दी गई। वहीं प्रशासन तथा पंजाब सरकार के खिलाफ रोष जाहिर किया गया और रोष जता रहे नौजवानों ने कहा कि फतेहवीर को न बचा पाने में जो लापरवाही हुई है उसका इंसाफ मिले और उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो जिनकी वजह से बचाव कार्य सही दिशा में नहीं हो पाया। इसके साथ ही पंजाब सरकार को जल्द से जल्द कोई नई तकनीक लानी चाहिए ताकि आने वाले समय में ऐसी कोई घटना न हो। फतेहवीर के कातिलों को फतेहवीर के कातिलों को गिरफ्तार करो। फतेहवीर 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 फतेहवीर।
ਭਾਈ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਜੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਡਿੱਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਖੋਰਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਖੋਰਨਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜੋ ਕਿ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੋ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕਰਤਾ। ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੋਤਾ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਰਮਾਨ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। लगातार 6 दिन से जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे फतेहवीर को बाहर निकाला गया, जिसमें डॉक्टरों की तरफ से फतेहवीर को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं गुरदासपुर के शहर बटाला के नौजवानों की तरफ से कैंडल मार्च निकाला गया। नौजवानों का कहना है कि अगर यही किसी वीआईपी का बच्चा होता तो उसे उसी टाइम निकल दिया जाता। नौजवानों का कहना है कि एक तरफ सरकार डिजिटल इंडिया की बात करती है, वहीं उनके पास ऐसी कोई तकनीक नहीं है कि बच्चे को बाहर निकाल सके। देश में बड़ी बड़ी मूर्तियां तो लगाई जाती है लेकिन जिंदा लोगों के लिए कुछ नहीं है, और इन जवानों ने फतेहवीर की मौत के जिम्मेवार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए इंसाफ देने की आवाज उठाई। अपन रोज याद किया पंजाब सरकार ने, जो पंजाब सरकार ने 6 दिन लाते बच्चे ने कदम लिए, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਾਂ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੋਮਬੱਤੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਮੋਮਬੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਨੇਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਜਾਗ ਜੋ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਨਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਤਰਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਦਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੰਨਾ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਤਕੜੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਦਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਖੱਪ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਜੀ।